जाइए आप, फिर मैं बुला लूंगी आपको दोबारा ना, मैं आपको बुला लूंगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, सेकंड ईयर आप लोगों के मेरे टॉपिक स्टार्ट हुआ है, वो है नर्वस सिस्टम, है ना, तंत्रिका तंत्र। तंत्र का तंत्र में हम लोगों ने कल भी एक स्टडी किया था, आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है टीनिया सोलियम। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं टीनिया सोलियम के बारे में। तो क्लास, आप लोगों को पता है टीनिया सोलियम किसमें आता है? संघ संघ प्लेटियल में तीस में आता है। तो प्लेटी हेलमिंथीस का जो की कैरेक्टर होता है वो क्या होता है कि इसमें आने वाले एनिमल्स कैसे होंगे? फ्लैट, एकदम चपटे क्रमी होते हैं। जैसे हम लोगों ने कल किसकी बात की थी? फेसियोला हिपैटिका के बारे में। फेसियोला हिपैटिका के बारे में मैंने ये बताया था कि इसकी संरचना कैसी है? पत्ती के जैसी है। पत्ती जैसी एकदम पतली होती है ना, सिमिलरली ये भी आपको एकदम पतला देखने को मिलेगा टीनिया सोलियम। लेकिन टीनिया सोलियम एकदम फेसियोला हिपैटिका के जैसा नहीं होता, मतलब वो ये पत्ती के आकार का नहीं होता, ये थोड़ा रिबन स्ट्रक्चर में रहेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं टीनिया सोलियम को? फीता क्रमी। किस नाम से जानते हैं? फीता क्रमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसका एक डायग्राम देखते हैं हम।
हाँ वे सेकंड ईयर जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें टीनिया के स्पोलेक्स की, भाई स्पोलेक्स सभी ने देखा है, स्पोलेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, टीनिया का तो स्ट्रक्चर सभी लोग बनाते हैं, 10-12 बनाने में आ जाता है। तो टीनिया का जो स्पोलेक्स होता है, ठीक है, वहां पर एक मिशर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं, और एक वहां पर रिंग होती है जिसे हम बोलते हैं गैंगलिनेटेड रिंग कमिशर। क्या बोलते हैं? गैंगलिनेटेड रिंग कमिशर। एक बार फिर अपनी बात को यहाँ पर दोहरा देती हूँ मैं, यहाँ इसमें टीनिया फोलियम के स्पोलेक्स में क्या प्रेजेंट रहता है? गैंगलिनेटेड रिंग कमिशर। इसमें से, इस कमिशर में से कुछ गैंगलियन आगे की तरफ जाते हैं, रॉस्टेलम की तरफ। ये रॉस्टेलम होता है ना ऊपर वाला हिस्सा, तो रॉस्टेलम की तरफ जाएंगे। ये रॉस्टेलम जो होता है, ठीक है, कहाँ की तरफ जाएंगे? रॉस्टेलम की तरफ, और वहां जाकर एक छोटी सी रिंग बनाएंगे फिर से, और उस रिंग को हम क्या बोलते हैं? रॉस्टेलर नर्व रिंग। ये दिख रही है ना एक छोटी सी नर्व। और देखिए, एक तो है आपकी ये गैंगलिनेटेड रिंग कमीशन, ये ठीक है, इसकी कुछ नर्व, कुछ गैंगलियन ऊपर की तरफ गए रॉस्टेलम की तरफ, और उन्होंने वहां पर एक छोटी सी क्या बनाई? रिंग बनाई, जिसे हम क्या बोलते हैं? रॉस्टेलर नर्व रिंग। अब रॉस्टेलर नर्व रिंग से कुछ नर्व जो है वो कहाँ जाएंगे? रॉस्टेलम की तरफ, ठीक है, रॉस्टेलम की तरफ जाएंगी। क्लियर? अब कुछ रिंग्स जो है, अगर हम बात करें टीनिया सोलियम के नर्वस सिस्टम की, तो टीनिया सोलियम में कुछ अनुदैर्ध्य नर्व कॉर्ड पाई जाती है, मतलब कुछ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड जो होती है वो कितनी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल को हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य। जो होती है टोटल 10, ठीक है, 10 नर्व कॉर्ड होती है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा ये 10 किस तरह से। देखिए, अगर हम बात करें टीनिया सोलियम के नर्वस सिस्टम की, तो इसमें कुछ नर्व जो है वो होंगे कुछ तो डॉर्सल वाले हिस्से में, कुछ वेंट्रल और कुछ लेटरल, ठीक है। यहाँ पर तीन पोर्शन हमेशा बताए जाते हैं, डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल, ठीक है। तो बस उन्हीं चीजों को याद रखते हुए ध्यान दीजिएगा, इसमें से कुछ लॉन्गिट्यूडिनल जो नर्व कॉर्ड होती हैं, जो डॉर्सल वाले हिस्से में होंगी, हम उन्हें बोलते हैं डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं? डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड। ये होती है वन पेयर। कितनी होती है? वन पेयर, ठीक है। कुछ नर्व इसके वेंट्रल वाले हिस्से में, नीचे की तरफ वाले हिस्से में होंगी, जिन्हें हम बोलते हैं वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड। क्या बोलते हैं? वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड। और ये जो वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड होती है, ये भी होती है वन पेयर, ठीक है। अब देखिए, एक डॉर्सल हो चुकी है, एक वेंट्रल, अब रहती है एक लेटरल, ठीक है। एक होगी साइड की तरफ जो मौजूद होगी, उसे हम बोलते हैं लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये भी होगी आपकी कितनी? वन पेयर। ध्यान दीजिएगा,
कितनी होगी? वन पेयर होगी। अब ये टोटल हो चुकी है तीन, 1 2 3 डॉर्सल वेंट्रल एंड लेटरल। थ्री पेयर, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नर्व जो होती है वो लेटरल की सहायक नर्व की तरह काम करती है, मतलब जिन्हें हम बोलते हैं एसेसरी लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, या फिर एसेसरी लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, ये रहा एसेसरी लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, ठीक है, जो किसकी तरह से होंगी, एक लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व की तरह होंगी, लेकिन जो नॉर्मल ना होकर एसेसरी फॉर्म में होगी, मतलब सहायक, ठीक है। और ये होती हैं आपकी टू पेयर, कितनी होती हैं? टू पेयर होती हैं। और अब देखिए टू पेयर अगर इन्हें हम ऐड करते हैं हमें मिलती है फाइव पेयर। फाइव पेयर क्या है? ये है अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य तंत्रिका कोशिकाएं। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड जो है सेकंड ईयर, मैं इन्हें फाइव पेयर कहूं या फिर टेन, ठीक है, नॉर्मल टेन इन नंबर, बात तो एक ही होगी, है ना, क्योंकि फाइव पेयर का मतलब भी क्या हो जाएगा, टेन, है ना। तो यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर टोटल लिख दी है टेन नर्व कॉर्ड, वहां पर मैंने उसको पेयर में शो किया हुआ है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक बार फिर यहाँ तक सुनते हैं, एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं जहां तक अभी तक सिखाया गया है। हम अगर टीनिया सोलियम के नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो टीनिया सोलियम का जो नर्वस सिस्टम है, तो उसमें टीनिया का जो स्कोलेक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, स्कोलेक्स वाले पार्ट पर क्या प्रेजेंट रहती है? गैंग्लियेटेड रिंग कमीशन। इसका मतलब समझिएगा, ये एक रिंग के फॉर्म में होगी, मतलब एक रिंग के जैसी संरचना बनाएगी, ठीक है, जिसमें गैंग्लियोनेटेड होते हैं। गैंग्लियन का मतलब होता है क्लास जब बहुत सारी नर्व्स एक जगह जुड़ती है ना, तो वहां हमें जो टर्म यूज करते हैं दैट इज अ गैंग्लियन, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं संघाई, ठीक है। एक होता है कमीशर, कमीशर होता है जहां पर वो नर्व जो है, जो गैंग्लियन का जो बंच है ग्रुप, ठीक है, उनको जो आपस में जोड़ता है दैट इज अ कमीशर, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो टीनिया सोलियम का जो स्कोलेक्स वाला पार्ट होता है वहां पर क्या बनता है? गैंग्लियेटेड रिंग कमीशर। इसमें से कुछ जो गैंग्लियन होती हैं वो ऊपर की तरफ कहाँ जाएंगी? रॉस्टेलम की तरफ। रॉस्टेलम की तरफ जाकर क्या बनाती हैं? एक रिंग बनाएंगी, छोटी रिंग, जिसे हम बोलते हैं रॉस्टेलर नर्व रिंग, ये रही रॉस्टेलर नर्व रिंग। इसमें से जो नर्व्स हैं वो कहाँ जाती है? कुछ रॉस्टेलम की तरफ, ठीक है, ना तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, अब इस गैंग्लियोनेटेड रिंग कमीशन से कुछ नर्व पीछे इसके और सेगमेंट्स में जाती हैं, और ये जो सेगमेंट्स में जो नर्व्स जाती हैं ये होती है अनुदैर्ध्य, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड। कैसी होंगी? लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड होंगी। ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड कितनी होती है? 10। कितनी होंगी? 10। अब ये 10 कैसे होती है? आप लोग जनरली जानते हैं, हम लोग अगर तीन पार्ट्स के बारे में बात करें तो कौन से होते हैं? डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल, ठीक है। तो बस हमने वही किया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं अभी तक बताएंगे, सिर्फ कुछ जो लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड होंगी वो कहाँ होंगी? वो टीनिया सोलियम के डॉर्सल वाले पार्ट पे होंगे, ऊपर की तरफ डॉर्सल वाले हिस्से, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड। कुछ नर्व कॉर्ड इसके नीचे की तरफ होंगी जिन्हें हम बोलते हैं वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड। कुछ होंगी जो इसके साइड में, यहाँ साइड में होंगी, ठीक है, जो इनका देखिए यहाँ पे फूला हुआ हिस्सा भी बनाती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो साइड में होती है उन्हें हम बोलते हैं लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, ठीक। ये तीनों ही कितनी होंगी? 3, मतलब 1-1 पेयर, ठीक है, 1 पेयर लेटरल, 1 पेयर वेंट्रल एंड 1 पेयर डॉर्सल, तो टोटल होती है 3 पेयर्स, है ना। वहीं साथ में
ऐसे सारी लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड भी होती हैं, जो कितनी होती हैं? टू पेयर्स, ठीक है। तो थ्री एंड टू फाइव पेयर्स कहे हम या टोटल 10, बात एक ही रहेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपको पता है कि जब शीताक्रमी होता है तो कुछ सेगमेंट होते हैं ना, सेगमेंट होते हैं ना उसमें प्लेटी एलिमेंट्स के एनिमल, तो उसमें जो सेगमेंट्स में वैसे तो भाई क्या जाएंगी, नर्व कॉर्ड जाएंगी, तो वहां पर एक रिंग बनती है हर सेगमेंट पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटल रिंग। क्या बोलते हैं? सेगमेंटल रिंग के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। तो सेकेंड ईयर समझ में आया आपको? सेकेंड ईयर क्या था मैम? रिपीट, ओके। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम के बारे में, ठीक है। मैंने ये पूरा नहीं बनाया, जस्ट हाफ हाफ बनाया, मतलब उसके नीचे भी आप जाएंगे तो वही सेगमेंट देखने को मिलेंगे, उसमें भी आपको यही एज इट इज नर्व वगैरह मिलेंगी, ठीक है। तो टीनिया सोलियम का नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो टीनिया का जो स्कोलेक्स वाला पार्ट होता है उसमें से क्या बनता है, वहां बनता है आपका गैंग्लिएटेड रिंग कमीशन। यहाँ पर एक रिंग बनी होगी लाइक दिस, ठीक है। और जिसमें रिंग का मतलब क्या होगा, इसमें बंचेज होंगे किसके, नर्व के, और उन जो नर्व होंगी आपस में भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगी, ठीक है। इस वजह से हम जो उसको टर्म देते हैं, दैट इज अ गैंग्लिएटेड रिंग कमीशन, ठीक है। अब इस गैंग्लिएटेड रिंग कमीशन में से कुछ नर्व जो है वो आगे की तरफ जाएंगी, कहाँ तक, रॉस्टेलम तक, आगे वाला पार्ट जो होता है दैट इज अ रॉस्टेलम, रॉस्टेलम तक जाएंगी। ये रॉस्टेलम तक जाने से पहले यहाँ पर बीच में एक छोटी सी रिंग बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रॉस्टेलर नर्व रिंग। क्या बोलते हैं? रॉस्टेलर नर्व रिंग, ठीक है। और इसमें से रॉस्टेलर नर्व रिंग में से कुछ नर्व्स कहाँ जाएंगी, रॉस्टेलम में। लेकिन गैंग्लिएटेड रिंग कमीशन में से कुछ नर्व्स इसकी होल बॉडी में जाएंगी, ठीक है। और ये जो नर्व्स जाती हैं, ये होती है लॉन्गिट्यूडिनल, कैसी कैसी होंगी, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड होंगी। ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड जो होती है, ये होती है टोटल 10, कितनी होती है, 10 होती है। हैंग हो रहा है, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है बेटा, हमारा भी हो रहा है, चलो कोई नहीं, हाँ भाई ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड कितनी होती है, 10 होती है। ये 10, अब 10 कैसे हुई, मुझे ये ही आपको बताना है, ठीक है। 10 मैंने यहाँ कैसे बोल दी, मैंने आप लोगों को बताया है कि जनरली किसी एनिमल में हम तीन पोर्शन देख सकते हैं, डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल, ठीक है। डॉर्सल ऊपर वाला हिस्सा, वेंट्रल नीचे वाला, और साइड वाला लेटरल, ठीक है। बस इसी चीज को याद रखिएगा। तो कुछ नर्व जो है वो टीनिया के डॉर्सल वाले हिस्से में रहती है, डॉर्सल माने ऊपर वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड। क्या बोलते हैं? डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, ठीक है। कुछ नर्व होंगी जो टीनिया सोलियम के नीचे की तरफ होंगी, जिन्हें हम बोलते हैं वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, ठीक है। कुछ जो है, कुछ नर्व कॉर्ड जो मतलब लॉन्गिट्यूडिनल नर्व है, वो होंगी टीनिया सोलियम के साइड में, यहाँ ये जो गैंग्लिएटेड रिंग कमीशन है ना, इसकी साइड में, जिन्हें हम बोलते हैं लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, ठीक है। अब ये तीन मैंने बताए हैं, डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, ठीक है। ये तीन होते हैं वन वन पेयर, ठीक है। वन वन पेयर मतलब एक एक जोड़ा, भाई अगर मैं एक बात बोलूं कि मेरे पास एक जोड़े जूते हैं, तो टोटल कितने जूते हैं, टोटल है दो जूते, ठीक है। लेकिन जोड़ा तो एक ही है, जस्ट डबल हो जाते हैं ना जोड़े में, तो बस पेयर वाली बात है और कुछ नहीं। मैंने यहाँ बोले कि यहाँ पर ये तीनों जो है, लेटरल, डॉर्सल, वेंट्रल, ये तीनों ही होते हैं वन वन पेयर, मतलब तीन तो पेयर है, या मैं ये कहूँ छह नर्व कॉर्ड, बात एक ही होगी ना। या मैंने थ्री पेयर लिखू या फिर सिक्स लॉन्गिट्यूडिनल नर्व, बात तो एक ही हो जाएगी, है ना। फिर
कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो लेटरल नर्व कॉर्ड की सहायक कोशिकाओं, उसके सहायक नर्व्स की तरह काम करती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एसेसरी लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड, ठीक है। और लेकिन ये होती है कितनी टोटल, टू पेयर्स, कितनी होंगी, टू पेयर्स, ये टू पेयर्स, ठीक है। मैं इन्हें टू पेयर्स बोलूं या फिर फोर, बात तो एक ही होगी, इन्हें मैं टू पेयर की जगह फोर बोल दूं तो कितना हो जाएंगी, सिक्स एंड फोर टेन, ठीक है। और अगर थ्री और टू को ही रहने दूं तो कितना होता है टोटल, फाइव पेयर, फाइव का डबल करेंगे, फाइव टू इज टेन, आंसर चाहे ऐसे करने चाहे ऐसे, आंसर तो आपका टेन ही आएगा, क्योंकि नर्व कॉर्ड है ही उसमें टेन, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड जो है वो कितनी है, टेन होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने आगे की ओर। यहाँ पर जो टीनिया सोलियम जो है, आपने टीनिया सोलियम कभी देखा हो तो उसमें ऐसा लगता है कुछ सेगमेंट्स भी, ठीक है ना, तो उस सेगमेंट पर एक रिंग बनती है, ठीक है, ये रिंग जो बनती है इसे हम बोलते हैं सेगमेंटल रिंग, क्या बोलते हैं, सेगमेंटल रिंग बोलते हैं, जिनमें से ये बाकी की जितनी भी वो होंगी नर्व कॉर्ड वो उसकी पूरे होल बॉडी में जाएंगी, ठीक है। अब क्लियर हुआ मैम, देखें जरा, हाँ भाई अब क्लियर है, ठीक है। यहाँ से ये सारी नर्व रिंग जो है वो कहाँ तक जाती है, इसके बाकी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वहां तक, मतलब लाइक गोनेड तक ये इजी चली जाएगी, ठीक है। चले तो यहाँ खत्म होता है आपका टीनिया सोलियम का नर्वस सिस्टम। अब हम आगे बात करते हैं, अच्छा बेटा 13 तारीख से छुट्टियां रहेंगी, ठीक है, 13 से 16 मैम, आपने इन्हें बताया क्या फोन करके, फर्स्ट ईयर 2017 से क्या कॉलेज आना है, सर ने बोला ही ना, ठीक है ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एनिमल है आपका नेरेस, नेरेस के नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। अच्छा पहले नीरस के बारे में ही सुन लीजिए, ये जो नीरस होता है ये किसका सदस्य है, ये होता है संघ एनिलिडा का सदस्य, एक सेकेंड, ठीक है, सेकेंड ईयर आप लोग जरा रिजाइन करें प्लीज।